हमसे कहा जा रहा है 7 शाह बलूत बॉक्स में रखें। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ शाह बलूत हैं और इनमें से हमें 7 शाह बलूत उठाकर इस बॉक्स में रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से मैं एक शाह बलूत उठा लेती हूँ और इसे मैं इस बॉक्स में रख देती हूँ। फिर यहाँ से मैंने दूसरा शाह बलूत उठाया और इसे भी बॉक्स में रख दिया। फिर ये मैंने तीसरा शाह बलूत रखा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। तो हमने कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शाह बलूत इस बॉक्स में रख दिए हैं। चलिए इसकी जांच करते हैं, अगला सवाल करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ बंदर हैं और हमें 8 बंदरों को इस बॉक्स में रखना है। तो चलिए एक एक करके बंदरों को उठाते हैं। ये आ गया मेरा एक बंदर, ये आ गया मेरा दूसरा बंदर, तीसरा बंदर, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां बंदर। तो हमने कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बंदर अपने इस बॉक्स में रख दिए हैं। इसकी भी जांच कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास कुछ हाथी हैं। अब हमें इनमें से 5 हाथियों को इस बॉक्स में रखना है। तो चलिए एक एक करके हाथियों को उठाते हैं। हालांकि हाथी को उठाना थोड़ा भारी होगा, लेकिन कोशिश करते हैं। तो ये आ गया मेरा पहला हाथी, ये दूसरा हाथी, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो हमने कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5 हाथी अपने इस बॉक्स में रख दिए हैं। चलिए इसकी भी जांच कर लेते हैं और बहुत बढ़िया, ये भी सही है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें इन मछलियों में से 3 मछलियों को बॉक्स में रखना है। तो ये तो अब हम सीख गए हैं कैसे करना है। ये आ गई एक मछली, दूसरी मछली और ये तीसरी मछली। तो ये हो गए हमारे पास 1, 2, 3 मछलियां। इसकी भी जांच करते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा जा रहा है 2 फूलों को बॉक्स में रखें। तो हम एक एक करके अपने फूलों को उठा लेते हैं। ये उठा लिया मैंने एक फूल और ये उठा लिया मैंने दूसरा फूल। तो हमने अपने इस बॉक्स में 1, 2 फूल रख दिए हैं। इसकी भी जांच कर लेते हैं और ये भी सही है।